सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी जो कार की टेल लाइट है वो हमेशा ऑन रही है, चाहे कोई भी केस हो, चाहे आपकी गाड़ी बंद हो या लॉक हो या चाबी उसमें नहीं लगी हो, फिर भी वो ऑन रह रही है, सो उसको कैसे ठीक कीजिए। सो जल्दी से देखते हैं इस वीडियो को। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे हाथ में है मेरी कार की चाबी और कोई भी चाबी मेरी कार में लगी नहीं हुई है, ना कि ब्रेक पेडल दबा हुआ है, और फिर भी जो है हमारी जो टेल लाइट है वो जगी हुई है। सो ये जो है मेरी एक टेल लाइट, जरा सा इसका बल्ब जो है फ्यूज़ हो चुका है, सो तब ये जल नहीं रही है, नहीं तो ये भी जलती। पर जो हमारी जो हेड जो ऊपर वाली लाइट है और जो ये ब्रेक लाइट है, ये दोनों जल रही हैं। सो अगर आपका भी सेम केस है तो आपको जो इसका मेन कॉज आता है वो है ब्रेक स्विच। सो ब्रेक स्विच जो है हमारे घर में जो नॉर्मल स्विच होते हैं वैसे ही काम करता है, जब हम ब्रेक पेडल दबाते हैं तो लाइट को ऑन करता है और जब नहीं दबाते हैं तो ये लाइट को ऑफ रखता है। सो इसके दो कॉज हो सकते हैं, या तो आपका ब्रेक स्विच ही ख़राब हो सकता है, या तो आपका ब्रेक स्विच जो है वो अपने सॉकेट से हिल गया है जिससे वो अपने ऑन मोड में ही फंस गया है जिससे लाइट ऑन रह रही है। मेरा केस ए है। सो अगर आपका केस बी है तो आपको जो है नया ब्रेक स्विच चलाना पड़ेगा। सो मैं अभी जो हूँ आपको बताऊँगा कि ब्रेक स्विच कैसे निकालना है। सो हर गाड़ी का जो ब्रेक स्विच है वो आपके ब्रेक पैडल के पास में ही होता है, ब्रेक पैडल के ऊपर। सो ये ब्रेक पैडल के साथ अटैच होता है जिससे जो है ब्रेक पैडल दबाने पे लाइट ऑन हो ऑफ हो। सो इसको आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा ब्रेक स्विच जो है वो कम्प्लीटली लूज़ था और कितनी आसानी से निकल गया है। सो अगर आपको ये फिर से लगाना है तो टाइट करके, तो इसका ध्यान जो रखना है, इसमें आगे एक काला पोर्शन होगा, मैं इसको निकाल ही लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ब्रेक स्विच निकाल लिया है। सो अगर आपको नया लेना पड़ेगा, अगर आपका केस बी होगा तो आपको नया लेना पड़ेगा, तो सेम ही इसी टाइप का लेना, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं केस ए वाले लोग कि यहाँ पे हमारा जो ब्लैक पोर्शन है वो दबा होना रहना चाहिए जब ब्रेक अप्लाई नहीं होगी। सो जो ब्रेक के पैडल के साथ जो सरफेस है ये दबा होना चाहिए, तभी आपकी लाइट बंद होगी। अगर ये रिलीज़ रहेगा, मतलब ब्लैक पोर्शन जो हमारा निकला रहेगा, तो ये लाइट ऑन रखेगा। सो आपको जो है इसे फिर से जो है अपने सॉकेट में फिक्स करना है। सो इसको आपको एक एंगल में जो है वो दबाना है और फिर रोटेट कर देना है जिससे जो है ये लॉक हो जाएगा अपनी पोजीशन में। सो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। सो ऐसे ही ये लॉक हो जाएगा। और अब आप देख सकते हैं कि हमारा सब कुछ काम हो चुका है, और अब जो हमारी जो लाइट है, चाबी फिर से मेरे हाथ में ही है और लाइट जो है हमारी बंद है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको एक लाइक कीजिएगा और कमेंट डाउन कीजिएगा कि आपके केस में भी ये वर्क किया कि नहीं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे फर्दर अपडेट्स देखने के लिए।